सो थंबनेल देख के आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया आज के वीडियो में क्या होने वाला है। तो मैं और एक बार फिर से रिमाइंड कर दूँ, आज के वीडियो में आज का वीडियो ब्लॉगर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग नया नया ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, ध्यान से देखना। एनी टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग में आप लोग सिनेमेटिक शॉट ऐड कर सकते हो। ये सिनेमेटिक शॉट ऐड करने से ब्लॉगिंग का लेवल कुछ अलग ही हो जाता है। और ये सिनेमेटिक शॉट तो किसी तरीके से ले लेते हैं, बट ये पे कैमरा सेटिंग ठीक ठाक ना होने की वजह से एडिट करने के टाइम में हो जाता है एकदम बेकार सा। सो आज के इस वीडियो में आप लोग क्या क्या कैमरा सेटिंग में गलती कर सकते हो वो दिखाऊंगा, और भी दिखाऊंगा आप लोग एकदम कैमरा सेटिंग से लेकर एडिट एक्सपोर्ट तक मैं आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। सो आप लोग अब स्क्रीन पे दो सेम सिनेमेटिक शॉट देख रहे हो, दो अलग सेटिंग में शूट किया हुआ, और दोनों का डिफरेंस देख के आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा फर्क है यहाँ पे। फिर भी मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोग जो सिनेमेटिक शॉट देख रहे हो इसमें थोड़ा सा अटक अटक के हो रहा है, बट राइट साइड पे तो हो रहा है एकदम स्मूथली सिनेमेटिक शॉट स्लोमो हो रहा है। डिफरेंस यही है और ये बहुत घटिया एक गलती है आप लोग करते हो। सो समय के साथ इसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलो मैं आप लोगों को कैमरा सेटिंग दिखा दूँ मोबाइल स्क्रीन पे। सो यहाँ पे मैंने मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और यहाँ पे मैंने कैमरा को ओपन करता हूँ। तो कैमरा को ओपन करने के बाद ही जस्ट कैमरा आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वीडियो सेक्शन पर चला जाता हूँ। तो वीडियो सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग सेटिंग में जाओ, यहाँ पे सेटिंग। तो सेटिंग में जाके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं जो सेटिंग में शूट कर रहा हूँ 1080p एंड 30 FPS। 30 FPS का मतलब 30 फुटेज पर सेकेंड, मतलब कि ये वाला सेटिंग में 1 सेकेंड में 30 फुटेज लेगा। सो यहाँ पे ये वाला सेटिंग करके मैं एक वीडियो को शूट कर लेता हूँ। और नेक्स्ट सेटिंग में रखूँगा यहाँ पे 1080p एंड 60 FPS, मतलब फुटेज 60 फुटेज पर सेकेंड, मतलब पहले से ज़्यादा फुटेज लेगा 1 सेकंड में। तो यहाँ पे मैंने इस सेटिंग को ऑन करके और एक सिनेमेटिक शॉट ले लेते हैं। और यहाँ पे एक प्रो टिप्स मैं आप लोगों को दे दूँ, जब भी आप लोग सिनेमेटिक शॉट लोगे तो यहाँ पे जो शो गाइडलाइन है इसे ऑन कर देना। इसे ऑन कर देने से आपका हेल्प होगा। जैसे कि मान लो ये जो गाइडलाइंस है इससे आप लोग पहला ले इस तरीके से लेकर एकदम स्मूथ सिनेमेटिक शॉट एकदम क्या बताओ यार एकदम परफेक्ट सिनेमेटिक शॉट ले सकते हो इसे ऑन करके। तो आप लोग इसे ऑन कर लेना, आपका सुविधा ही होगा। और इसका यूज़ आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो है। सो आज मैं काइनमास्टर में एडिट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। सो काइनमास्टर ओपन करके यहाँ पे मैंने पहला वीडियो जो 30 FPS में शूट हुआ था उस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे मैंने प्लेयर पे टैप करता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ पे स्पीड को जाऊँगा मैं। स्पीड को जाने के बाद यहाँ पे मैं स्पीड, तो यहाँ पे मैंने स्पीड को एकदम लो करके कुछ इस सेटिंग में रखूँगा। रखने के बाद आप लोग यहाँ पे प्ले करता हूँ वीडियो को, आप लोग यहाँ पे देखो। और इसका रिजल्ट आप लोग पहले भी देख चुके हो। सो सेकेंड वीडियो यहाँ पे मैंने इनपुट कर लिया और इसको मैं स्लोमो करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखो, सो साउंड को ऑफ कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग इसको स्लोमो करता हूँ, देखो कितना स्मूथली स्लोमो होता है। तो सेम सेटिंग यहाँ पे स्पीड में सेम एक पे रखूँगा, देखो। सो यहाँ पे मैंने वीडियो को प्ले कर दिया और देख सकते हो किस कितना स्मूथली यहाँ पे स्लोमो हो रहा है पहले के अनुसार। तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग समझ रहे हो, समझ सकते हो। सो ऐसा ही कुछ सेटिंग था। और एक्सपोर्ट करने के टाइम में सिंपली यहाँ पे आप लोग एक्सपोर्ट करो और 1080p या पे जो आपका मर्जी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना। और यहाँ पे बिट रेट जितना अच्छा रखोगे उतना क्वालिटी इंक्रीज होगा। और यूट्यूब में बहुत सारा स्टैंडर्ड बिट रेट होता है, 1080p या फिर 4K या फिर हर एक सेटिंग का अलग अलग बिट रेट होता है, यूट्यूब का स्टैंडर्ड बिट रेट। अगर आप लोग को नहीं पता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो ऐसा ही कुछ था वीडियो में। सो आई होप कि आज के वीडियो देखने के बाद आप लोग ये गलती वगैरह दोबारा नहीं करोगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऑलरेडी आप लोगों को पता है आप लोग को, तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह के कंटेंट और भी पाने के लिए। तो आज की वीडियो भी एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।